महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 23 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले केस बांटने के आरोप का सामना कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सुप्रिया सरनेत को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में तावड़े के वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट विनोद तावड़े पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि ये तीनों नेता नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर विनोद तावड़े से बिना शर्त माफी मांगे। साथ ही माफीनामा 3 अंग्रेजी अखबार और 3 क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार के फ्रंट पेज पर पब्लिश करें। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी माफीनामे को पोस्ट करें। माफी नहीं मांगने पर तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करेंगे, साथ ही 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे। विनोद तावड़े ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर 19 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सरनेत ने कहा कि विनोद तावड़े को मतदाताओं को 5 करोड़ रुपए बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और इस तरह के नाटकीय बयान दिए गए। वे सिर्फ मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करना चाहते थे। मैं गंभीर रूप से आहत हूँ। मैं एक सम्मानित मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। पिछले 40 वर्षों से राजनीति में हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के नेता मुझे, पार्टी और मेरे नेताओं को बदनाम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मीडिया और लोगों के सामने यह झूठ बोला। इसलिए मैंने उन्हें कोर्ट नोटिस जारी किया है कि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या कार्रवाई का सामना करें। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग से एक दिन पहले बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर मतदाताओं को लुभाने के लिए 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया। पैसे बांटे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। इसमें से कई वीडियो बहुजन विकास अघाड़ी के सदस्यों ने बनाए थे, जो पालघर जिले के विराल कस्बे में उस होटल के हॉल में घुस गए थे जहां तावड़े मौजूद थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कथित तौर पर पैसे बांटे जाने के सिलसिले में 2 प्राथमिकी भी दर्ज की। मामला सामने आने के बाद अपने बयान में तावड़े ने कहा, होटल में उनका दौरा, नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार राजन नाइक से मुलाकात करने के लिए था। उन्होंने कहा, पालघर से मुंबई लौटते समय मुझे राजन नाइक का फोन आया, जिन्होंने मुझे वसई के एक होटल में चाय के लिए आमंत्रित किया, जहां पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। वहां पहुंचने के बाद हमने स्वाभाविक रूप से चुनावी संबंधी मुद्दों, खास तौर से मतदान के दिन की तकनीकी प्रक्रियाओं और बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, अचानक दूसरे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अंदर घुस आए और मुझे घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। बाद में मुझे पता चला कि वे बहुजन विकास अघाड़ी के थे। तावड़े ने बताया कि इसके बाद उन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर को फोन किया और उनसे स्थिति को नियंत्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैंने हितेंद्र ठाकुर से संपर्क किया और उनसे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने का अनुरोध किया। वह और बीवीए विधायक छत्तीस ठाकुर दोनों होटल पहुंचे। छत्तीस बातचीत के बाद तनाव कम करने के लिए मैं उनके साथ एक वाहन में सवार होकर वहां से चला गया। तावड़े ने कहा, मेरे द्वारा पैसे बांटने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो बस चाय पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा था और चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर रहा था। ये आरोप निराधार है। उन्होंने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगालने की मांग की और कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष जांच करने दिया जाए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ था। सच सामने आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।